शोल्डर पेन सीरीज के पहले एपिसोड में आपका खुशामदीद है, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में। तो मैं हूं डॉक्टर सफदर नज़ीर। और मैं हूं डॉक्टर रोहित। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी सर ने बताया है, कैसे इंट्रोडक्शन दिया है उसी टॉपिक का, तो अभी सर उसके बारे में बताएंगे और जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन है मैं इनसे पूछूंगा और ये आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। जी बताएं क्या। तो सर ये बताइए, शोल्डर पेन होता है ऐसे हाथ उठाने में, तो क्या कारण होता है इसका, मतलब मेन कॉज क्या है? देखिए, बेसिक जो मेन कॉज आजकल जो शोल्डर पेन के जो बेसिक कॉजेज हैं वो है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। तो शोल्डर, आपका सवाल ये हो सकता है कि ये शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम क्या होता है, कैसे हो जाता है। जी, तो जी, आज जी, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आखिर तक बने रहें। आपको सारी जानकारी, एक्सरसाइजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सिम्टम सारी कुछ आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता क्या है, बेसिक क्या होता है कि मोटा मोटी तौर पे जो बात करते हैं कि अगर आम तरीके से इसको समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए, तो जो ये स्कैपुला होती है, स्कैपुला की मसल्स होती है, ठीक है, ट्रेपीजियस मसल्स होती है, लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड्स और सेरेटस एंटेरियस, ये चार मसल्स स्टेबलाइजर मसल्स होती है। और जो ये शोल्डर की जो ह्यूमरस हेड होती है, इसकी जो मेन स्टेबलाइजर्स होती है, डायनेमिक स्टेबलाइजर्स जिसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है रोटेटर कफ मसल्स को। तो रोटेटर कफ मसल्स चार होते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस मसल्स। ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं आके ओरिजिनेट होते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनस फोसा से, इंफ्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनस फोसा से ओरिजिनेट होता है और ग्रेटर और लेजर ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होता है। तो जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि स्कैपुला भी वर्क करती है एज ए टीम। स्कैपुला, सबसे पहले आप इसको ये समझें कि जो ये शोल्डर ज्वाइंट होता है ना, इसको कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट? क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट अकेला ज्वाइंट नहीं है। सबसे पहली बात ये जान लें, शोल्डर ज्वाइंट में सिर्फ एक ज्वाइंट नहीं है कि ग्लूनो ह्यूमरल ज्वाइंट आर्टिकुलेट करके ह्यूमरस और ग्लूनाइट मिलकर एक ज्वाइंट बना लिया और हो गया। इसमें चार मेजर ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें तीन फिजियोलॉजिकल ज्वाइंट्स होती हैं और एक फ्लोटिंग ज्वाइंट्स बोला जाता है। तो चार ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होने की वजह से जब हम कोई शोल्डर पे मूवमेंट करते हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ज्वाइंट्स इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग शोल्डर मूवमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शोल्डर कॉम्प्लेक्स। जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट और स्कैपुलोथोरैसिक ज्वाइंट्स में भी मोशन होती है, तो इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बोला जाता है। तो अब हम आगे समझते हैं कि सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट कैसे होता है। तो जब हम शोल्डर मूवमेंट करते हैं तो साथ साथ ना स्कैपुला भी मूव करती है। जो आपको चार मसल्स मैंने बताई, ट्रेपीजियस, लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड्स और क्या नाम है सेरेटस एंटीरियर मसल्स के बारे में, जो स्कैपुलर स्टेबलाइजर मसल्स होती है, तो इस केस में क्या होता है कि ये वीक हो जाते हैं, इनमें से कुछ मसल्स वीक हो जाती हैं, मोस्टली लोअर ट्रेपीजियस, मिडिल ट्रेपीजियस, सेरेटस एंटीरियर और रोम्बॉइड मसल वीक होते हैं। तो जब हम मूवमेंट करते हैं, कोई भी मोशन करते हैं, तो उसमें स्कैपुला भी साथ में मूव करती है। तो ड्यू टू वीकनेस ऑफ एनी मसल्स और वन और टू मोर मसल्स, तो शोल्डर ज्वाइंट पे शोल्डर तो मूव करी, स्कैपुला मूव नहीं करा, तो क्या होगा, जो ये सब एक्रोमियल यहाँ पे फोसा होता है कि यहाँ से मसल इसके नीचे से ना टेंडन पास कर रही होती है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स जिसको बोलते हैं, तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि स्कैपुला की मूवमेंट होगी नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, तो इस पे ये बार बार हिट होता है, रब होता है और उधर से शोल्डर ज्वाइंट भी इसको रब करती है बार बार, तो रब करने की वजह से क्या होता है, इरिटेशन होता है, फिर वो इन्फ्लेमेशन में तब्दील हो जाती है धीरे 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 इग्नोर करते करते, तो फिर वो टेंडनाइटिस भी बन जाता है। तो ये होता है सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। अब इसके बारे में अगला ये हो सकता है क्वेश्चन कि सॉल्यूशन तो एक्सरसाइज है बेसिकली, और इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। आप मेडिकेशंस, कुछ पेन किलर्स वगैरह खा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पेन कम हो जाएगा, फिर आप मूवमेंट करोगे, फिर वो हिट करेगा, फिर वो क्या करेगा, आपका
पेन बन जाएगा और मूवमेंट धीरे 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 लॉस भी हो जाती है आपकी, फ्लेक्शन एब्डक्शन सारी मूवमेंट लॉस हो जाती है। फिर कपड़ा पहनना, शैम्पू करना और भी दीगर जितने भी एडियल्स होते हैं डेली लाइफ स्टाइल में, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस, जो कि मात्र एक सॉल्यूशन है इसमें, एक्सरसाइजेस अच्छे से एक्सरसाइजेस करें, प्रॉपर वे में प्रोटोकॉल को अपनाएं। एक डॉक्टर रोहित, इसमें एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि सब एक्रोमियल इंपिंजमेंट सिंड्रोम तो एक मुख्य कारण है शोल्डर पेन के कारणों में से, वैसे तो कई कारण होते हैं उसमें से 90% तो इंपिंजमेंट का कारण हुआ, लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं शोल्डर पेन के, तो वो मैं अगले वीडियो शोल्डर पेन की, जो मैंने ये तो फर्स्ट एपिसोड है, आगे मैं कई इस पे एपिसोड बनाऊंगा जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि और भी कारण मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि सब एक्रोमियल इंपिंजमेंट सिंड्रोम होता कैसे है, ये भी एक कारण आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सब एक्रोमियल इंपिंजमेंट क्यों हो जाता भाई, क्यों वीकनेस हो जाती है, कोई मसल वीक हो गई, कोई कुछ हो गई, कैसे हो गई। तो आजकल के लाइफस्टाइल में ज्यादातर जो काम हम लोगों का है आजकल, वो हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, घर में सब कुछ आसानी से दस्तयाब हो जाता है, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। दूसरी चीज़ वर्कलोड, कंप्यूटर वर्क आजकल कंप्यूटर के जमाने में कंप्यूटर वर्क बहुत हो गया, लोग 8-8 घंटे 12-12 घंटा बैठ के और कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो एक तो होता है प्रॉपर भी मैं ऐसे बैठा, मैं देखो आप, मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ, देख लो आपके सामने था, मैंने अभी ऐसे किया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ऐसे बैठते हैं ना, तो हमारा शोल्डर क्या होता है, राउंडेड हो जाता है। आप ज़्यादातर आप खुद भी देखना अपने शीशे में खड़े होंगे, जिनको ये प्रॉब्लम है शोल्डर की, उनके शोल्डर ज़्यादातर राउंडेड होंगे और उनका जो नेक होगा, तो ये नेक है, ये प्रॉपर वे में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स शोल्डर ज्वाइंट क्यों बोला जाता है, अब आपको समझ में आएगा बेसिकली कि इस नेक की वजह से भी शोल्डर पेन आपको हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो क्या हो गया, फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया, आपकी डीप जो नेक फ्लेक्सर मसल्स हैं वो वीक हो गई, ठीक है। नेक एक्सटेंसर मसल्स क्या हो गई, टाइट हो गई, ठीक है। नेक एक्सटेंसर मसल्स आपका ट्रेपीजियस भी है, सिर्फ एलिवेटर और रोटेटर नहीं है स्कैपुला का, नेक एक्सटेंसर मसल्स भी है जो ट्रेपीजियस है, जो हेडेक वगैरह होता है, वो मैं बनाऊंगा कभी सीरीज पे भी ट्रेपीजियस मसल्स पे, कि उसकी वजह से हेडेक भी हो जाता है टाइटनेस। तो राउंडेड शोल्डर में क्या होता है, एक तो डीप नेक फ्लेक्सर्स आपका वीक हो गया, आपका नेक एक्सटेंसर मसल्स जो हो गया वो टाइट हो गया, ट्रेपीजियस टाइट हो गई, ठीक है। तो ट्रेपीजियस टाइट हो गई तो इसकी वजह से आपको नेक पेन भी हो सकता है, शोल्डर पेन भी हो सकता है। शोल्डर पेन क्यों हो सकता है, क्योंकि नेक स्टेबलाइजर स्कैपुलर स्टेबलाइजर का मेन मसल्स ट्रेपीजियस भी है, समझ रहे बात को। तो आपको शोल्डर पेन भी हो सकता है, राउंडेड शोल्डर हो गया, जो इन्वॉल्वमेंट होती है स्कैपुलर एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट की, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट की, तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं पेक्टोरल मसल, पेक्टोरलिस, मेजर माइनर मसल्स हो गए, मेजर में स्टर्नल फाइबर और एक क्लेविकुलर फाइबर्स होते हैं, दो फाइबर्स होते हैं, तो उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, डेल्टॉइड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इतनी सारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है एक अच्छे से कोऑर्डिनेटेड मोशन शोल्डर के लिए। ये नहीं ऐसे ही कि बस एक ज्वाइंट बना, ये उंगली वाली इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट और ये फ्लेक्सर और ये एक्सटेंशन हो गया, दो मसल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल हो गई। आपने वीडियो में देखा ही अभी तक मैंने कितनी मसल्स बता दी होगी आपको। तो ये बेसिक जो कारण हुआ सब एक्रोमियल इंपिंजमेंट का, ये हो गया हमारे पोस्चर, राउंडेड शोल्डर, फॉरवर्ड नेक ऐसे है ना, तो इसमें आपका पेक्टोरल टाइट हो गया, ट्रेपीजियस टाइट हो गया, लेकिन बाकी की जो मसल्स है पीछे की, जो स्कैपुलर की जो मसल्स है, मीडियल ट्रेपीजियस हो गए, रोम्बॉइड्स हो गए, लोअर ट्रेपीजियस हो गए, सेरेटस एंटेरियर, ये हो जाती है वीक। अब इतनी सारी मसल वीक हो जाएंगी तो आप जब मूवमेंट करेंगे तो कहाँ प्रॉपर मूवमेंट होना है, उसमें होना तो है नहीं, वो होगा नहीं तो वो बार बार इम्पिंज करेगा, इम्पिंज करेगा तो आपको पेन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से सब एक्रोमियल इंपिंजमेंट सिंड्रोम होता है। तो आप देखा कितना कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है रोहित, डॉक्टर रोहित शर्मा, शोल्डर ज्वाइंट को ह्यूमन बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट वाला बोला जाता है। इसको इवेलुएट करना और इसको रिहेबिलिटेट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है वो उनके पास जो भी इस तरह के केसेस आए वो पहले चेक करें प्रॉपर वे में कि कौन सी मसल्स टाइट है, ओवर एक्टिव है, कौन सी मसल्स अंडर एक्टिव है। बेसिक जो फलसफा है किसी भी चीज़ को ट्रीटमेंट करने का, ट्रीटमेंट देने का, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होने का,
उसमें आपको इवेलुएट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इसमें कौन सी मसल्स ओवर एक्टिव है और कौन सी अंडर एक्टिव है। अगर आप ये कर गए तो आप पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे और ठीक हो जाएंगे और प्रॉपर वे में एक्सरसाइजेज जो घर में बताई जाती हैं वो बतानी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।